धार के पीथमपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 20 मोबाइल के साथ 17,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर नूतन नगर कॉलोनी में एक मकान में आरोपी पकड़े गए। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो सट्टा खेलने का आरोप, जिसमें करीब 20 आरोपी हैं जिन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 20 मोबाइल के साथ साथ 17,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। एक मकान में ये लोग सट्टा खेल रहे थे और फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। तो नूतन नगर कॉलोनी से ये सट्टा खेलते हुए 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी और 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 20 मोबाइल फ़ोन और 17,000 कैश बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साबिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर, क्या है पूरा मामला? देखिए, बता दें आपको कि धार जिले का औद्योगिक क्षेत्र है ये पीथमपुर, और पीथमपुर में पीथमपुर पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। यहाँ पर ऑनलाइन जो है सट्टा खेल रहे थे, ऐसे 20 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और इनसे जो है 17,000 रुपए नकदी भी प्राप्त किए हैं और रजिस्टर और अन्य उपकरण जो है जो इस्तेमाल कर रहे थे ये सट्टे के लिए, वो सब भी जब्त कर लिया है। जी, आप पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली थी और बताया ये भी जा रहा है साबिर कि काफी वक्त से ये लोग सक्रिय थे। क्या कोई और भी इस तरीके का ठिकाना पुलिस को इनसे पूछताछ में पता चला है कि आसपास इसी तरीके से सट्टा गैंग सक्रिय है? बिल्कुल, बता दूं कि ये जो सट्टा चल रहा था ये पीथमपुर की नूतन कॉलोनी में चल रहा था, और चूंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे मजदूरों का जो है काफी इकट्ठे जमावड़ा रहता है और बड़ी कॉलोनी है यहाँ पर, तो इस तरह के कई नूतन कॉलोनी के अलावा भी कई एरियो में ये चीजें चलती है। पुलिस ने पहली दबिश नहीं दी, इसके पहले भी कोई कई कार्य कार्रवाई कर चुके हैं और अभी इन आरोपियों से और पूछताछ भी जारी है। इस पूछताछ के आधार पर और भी पुलिस आगे जो है कार्रवाई कर सकती है।